अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मछली बना रही हूँ मसालेदार। अच्छे से मैंने मछली को वॉश कर दी हूँ। अब इसमें एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर एक चम्मच डाल के सबको अच्छे से मैश करूँगी। अच्छी तरह मैश करके इसे 10 मिनट तक रखती हूँ, जब तक मैं मसाले की तैयारी करती हूँ। प्याज ले हूँ, 3 प्याज है बड़े साइज़ का, और लहसुन है, लहसुन की कलियाँ हैं, हरी मिर्च है 3, धनिया पत्ती ली हूँ एक मुट्ठी, और एक चम्मच साबुत धनिया है, और सरसों है 1 टीस्पून, और ये काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे पीसूंगी। किस तरह पीसना है। अब मैं मछली फ्राई कर लूँ, बस हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करारा बनाना है। अब मैं ग्रेवी की तैयारी करती हूँ। सरसों तेल डाली हूँ 4 चम्मच, मेथी डाली हूँ 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। थोड़ा चलाने के बाद अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, जो पीसे हुए प्याज, इसे भी अच्छी तरह भूनूंगी। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह भूनना है, कच्चापन निकल जाए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, थोड़ा भून लूँ फिर से। अब इसके लिए मैं टमाटर पीस रही हूँ, 1 टमाटर है बड़े साइज का, और इसमें अब डालूंगी। अब इसे भी अच्छी तरह भूनना है, अब कवर करके पकाएं। मसाला देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब मछली मैं डाल रही हूँ, सारी मछली इसमें डाल दूंगी। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है ये मछली, आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। अब इसे हल्का सा मैं टर्न कर लूँ मछली, तेल भी सेपरेट हो गया है। देखिए बिल्कुल तैयार है, 5 मिनट में कवर करके पकाई थी। ग्रेवी बिल्कुल यम्मी, बिल्कुल रेडी हो गया, मछली गल गई है और तेल भी सेपरेट हो गया। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। वाओ, बहुत अच्छी तरह से बनी है। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।